हेलो एवरीवन, एसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पेपर पे सूट की कटिंग बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे बिना वीडियो के स्किप के, स्टेप बाय स्टेप एक बार में ही सूट की कटिंग करना एकदम इजी तरीके से सीख जाएंगे। जो नए लोग हैं वो भी एक बार में ही सीख जाएंगे। सेम इसी तरीके से आप कपड़े पर भी कर लेंगे, केवल उसमें नाप आपका अलग रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम तीन पेपर ले लिए हैं। एक पेपर को बगल में रख लेना है और हम दो पेपर को अच्छी तरीके से फैला के अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। अगर आप ऐसे करेंगे, ये देख लीजिए, ऐसे करेंगे तो आपको चौड़ाई ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको लंबाई ज़्यादा मिलेगा। तो हमें चौड़ाई ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें लंबाई ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से हम आपको पेपर को इस तरीके से हम फैला लेंगे। ये देख लीजिए, डबल में डबल को एक फोल्ड और कर लेना, तो टोटल हमारे यहाँ पर चार फोल्ड हो जाएगा। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब इसे हम आपको खोल के भी दिखा देते हैं। ये चार फोल्ड में है, एक दो तीन चार। अब पहले में लंबाई पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी लंबाई है 24 इंच। ये हमारा 24 इंच फिटिंग है। 2 इंच सिलाई मार्जिन हम अलग से लगाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 26 इंच हो जाएगा। इस निशान को मिला लेना है। सेम इसी तरीके से नीचे वाले भी निशान को मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है। अब हमें शोल्डर पे निशान लगा लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो हम शोल्डर यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। सेम इसी तरीके से नीचे की तरफ से भी हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है। आर्म होल यहाँ पर रखेंगे हम 6 इंच। इस निशान को इस तरफ मिला लेना है। अब यहाँ पर बीच में 1.25 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ पर देख लीजिए, हम गोलाई का शेप दे दिए। ये हमारा पीछे का है और इसी में से हम 1/2 इंच इस तरीके से आगे की तरफ लगा। ये हमारा पीछे का आर्मोल है, ये हमारा आगे का आर्मोल है। अब हमें गले पे 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। गला आप कम भी ज़्यादा कर सकते हैं, शोल्डर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लंबाई भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप किसी भी साइज के सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ से हमें गला रख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये हम आगे के गले पर निशान लगा रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आगे का हमारा 6 इंच है, ऊपर की तरफ से 2.5 इंच, नीचे की तरफ से भी 2.5 इंच, सेम बराबर रहेगा। इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है। अब यहाँ पे आप किसी भी साइज का मतलब बना सकते हैं गला। तो यहाँ पर हम बस गोलाई का शेप देंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब हम पीछे के गले पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पीछे का गला हम रखेंगे 8 इंच। ये देख लीजिए इस तरीके से। ऊपर की तरफ से 2.5 इंच है, तो नीचे की तरफ से हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर भी मैं गोलाई का शेप दे देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आगे का गला हो चुका है, ये हमारा पीछे का गला हो चुका है। जैसे कि हमारा चेस्ट है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमारा चेस्ट है यहाँ पर 30 इंच। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका चौथाई भाग भी निशान लगा लेना है। तो इसका चौथाई भाग आ जाएगा यहाँ पर 7.5 इंच। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आ चुका है 7.5 इंच। तो हमें 7.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है फिटिंग पे। 2 इंच यहाँ पर हमें लूजिंग निशान लगा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम कमर फिटिंग यहाँ पर है, देख लीजिए इस तरीके से 7 इंच पे रखेंगे। और चौक वाला फिटिंग रखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए 10.5 इंच पे। तो यहाँ पर देख लीजिए, चौथाई हिस्सा था हमारे पर 7.5 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच कम करेंगे। तो हमें 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। जैसे कि हम 1 इंच यहाँ पर कम किए हैं, तो जैसे कि 4 इंच कम है। जैसे कि हमारा 30 इंच का चेस्ट था, तो यहाँ पर हमारा 26 इंच का एक कमर फिटिंग वाला है, कमर साइज का। तो यहाँ पर देख लीजिए उसके हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पर हमें 7.5 इंच पे ही लगाना है।
जो कमर फिटिंग है चौक वाला, इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ से भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है केवल सिलाई मार्जिन। इस तरीके से यहाँ पर मिला लेना है। नीचे की तरफ से हमें भी 7.5 इंच भी रखना है। ये देख लीजिए, ये हमारा 7.5 इंच फिटिंग हो चुका है, 2 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन हो चुका है। तो इस निशान को मिला लेना है। तो आपको एक यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है सीधा, अब एक यहाँ पर कमर फिटिंग पे, एक यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है, जहां से निशान लगाया वहां से हमें कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा पेपर को। तो पहले हम आगे के गला कटिंग करेंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर को निकाल देना है। यहाँ पर देख लीजिए आगे और पीछे का एकदम बराबर कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए पीछे वाले पार्ट को बगल में रख लेना है और आगे वाले पार्ट को सेम उसी तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर शोल्डर को कटिंग कर देना है 1/2 इंच अंदर की तरफ से। ये देख लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेना है। इससे आपका पता चला जाएगा कि मतलब यहाँ पर इसलिए हम कट लगाए हैं। सेम इसी तरीके से आपको कपड़े पे भी करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आगे वाला पार्ट एकदम कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब आगे वाली पार्ट को बगल में रख लेना है। अब यहाँ पर पीछे वाले पार्ट के लिए हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे सेम उसी तरीके से। तो गले के लिए इस तरीके से निशान लगा लेना है, वो हमारे आगे वाले पार्ट में चला गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 इंच नीचे की तरफ से यहाँ पर 3 इंच, ऊपर की तरफ से 2.5 इंच है। तो इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। अब यहाँ पर गोलाई का शेप दे देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से जहां से सेप दिए वहां से हमें कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा पेपर को। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा पीछे का गला भी कंप्लीट कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर ये हमारा पीछे का पार्ट हो चुका है कंप्लीट, इस पार्ट को भी बगल में रख लेना है। अब जो एक पेपर हम बगल में रखे थे उसे ले लिए हैं, इसे अच्छी तरीके से फैला लेना है। इसमें से हम निकालेंगे बाजू। तो यहाँ पर देख लीजिए पेपर को यहाँ पर डबल में रख लेना है और डबल को एक फोल्ड आउट कर लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर टोटल हमारा 4 फोल्ड हो चुका है, 2 हमारा बंद पार्ट है, 2 हमारा खुला पार्ट है। जैसे कि यहाँ पर हम बाजू की लंबाई रखेंगे, ये देख लीजिए 10 इंच, 2 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन, इस निशान को मिला लेना है। यहाँ पर देख लीजिए इस निशान को मिला लिए हैं। यहाँ पर बाजू का चौड़ाई है 5 इंच, ये देख लीजिए इस तरीके से। नीचे की तरफ से यहाँ पर है 3.5 इंच। तो यहाँ पर देख लीजिए 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन दे देना है और ऊपर की तरफ से भी 1.5 इंच पे सिलाई मार्जिन दे देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब यहाँ पर आपको 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है और नीचे की तरफ से भी 3 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर 3 इंच हम डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से उठाना है और यहाँ पर इस तरीके से घुमा देना है बाजू को, अब इस निशान को मिला लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, सेम इसी तरीके से सिलाई मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है, जहाँ निशान लगाया वहां से इस पेपर को कटिंग करके निकाल देना है। अब इस तरीके से बाजू का शेप दे देना है, बीच में कट लगा लेना है। अब इसे आपको फैला लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से 1/2 इंच आगे की तरफ से डाउन कर देना है।
यहाँ पर देख लीजिए हम आधा इंच डाउन कर दिए हैं और बाजू हमारा डबल में है। तो यहाँ पर बाजू कंप्लीट हो चुका है, इस बाजू को बगल में रख लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर बच रहा है उसी में से हम आगे और पीछे गला कटिंग करेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से, तो पेपर हमारा चार फोल्ड में है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले हम आगे गले पे आधा इंच ऊपर की तरफ से बढ़ा लेना है। अब यहाँ पर कटिंग कर देना है बराबर। तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर कटिंग हो चुका है। अब सवा एक इंच की दूरी पे इस तरीके से गले पट्टी को कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा आगे गला पट्टी एक हो चुका है, एक हमारा यहाँ पर सही नहीं है, इसको हम बगल में रख लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से पेपर बस डबल में है। अब यहाँ पर हम सीधा नाप लगाएंगे। तो जैसे कि हम ऊपर की तरफ से यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, नीचे की तरफ से यहाँ पर हम 8 इंच पे, ऊपर की तरफ से 2.5 इंच, नीचे की तरफ से यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। अब यहाँ पर गोलाई का शेप दे देना है, ये वाला हमारा निशान सही है। अब जहाँ से निशान लगाए वहां से हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा पेपर कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पर भी 1.25 इंच दूरी पे आपको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा पीछे का गला हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा आगे का पार्ट हो चुका है और ये हमारा पीछे का पार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा बाजू हो चुका है, ये हमारा आगे का गला हो चुका है, ये हमारा पीछे का गला हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए पेपर पे सूट की कटिंग एकदम कंप्लीट बता दी है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, समझ में आया तो भी कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।